कल्पनाओं को संभव बनाए। आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस योग दिवस में विश्वविद्यालय के सभी गणमान्य और पदाधिकारी शिक्षकगण मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सदियों से भारत इसमें अग्रणीय रहा है, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने विचारों को सकारात्मक करने के लिए और अपने आप से प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। आज के जो यूथ को योगा के बारे में जागृत किया जा रहा है, उससे यूथ में किस तरह से मोटिवेशन, जो आज का युवा है उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि उनको पता लगे इसके कितने लाभ हैं, क्योंकि जीवन शैली में इसका समावेश करना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही राष्ट्र को स्वस्थ बना सकता, समाज को स्वस्थ बना सकता है।
भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से इस अग्रणीय भूमिका निभाने के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से युवा इसको अपना कर अपने आप को सार्थक बना सकते हैं, सौम्य बना सकते हैं और सफल भी बना सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है युवाओं को विशेष कर से, क्योंकि आज के युवा ही कल के भारत का निर्माण करेंगे, तो उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए और अपनाना चाहिए, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपने आप को मस्त भी रख सकें और व्यस्त भी रख सकें। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में योगा को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए? हमारे पास योगा में पाठ्यक्रम भी चलते हैं और निरंतर रूप से प्रयास रहता है जागरूकता के माध्यम से और प्रोग्रामों के माध्यम से कि बच्चे इसमें सम्मिलित हों और इसका लाभ उठाएँ। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कार्यक्रम है और ग्रेजुएशन में इसका समावेश किया है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में योगा के लिए स्पेशल कोर्सेज? हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हम चलाते हैं योग में और हम इसका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को भी चलाने का प्रयास करते हैं। इसका बहुत जरूरी है इसका, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग मिलेगा और इसे इसका प्रचार भी बहुत अच्छे से हो पाएगा, हम ऐसा सोचते हैं और इसमें सफलता भी मिलेगी। जैसा कि आजकल देखा है कि लाइफ बहुत व्यस्त हो गई है, उसमें योगा के लिए किस तरह से जगह टाइम निकाल सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि दिमाग में पहले बैठाना चाहिए कि मुझे कुछ समय निकालना है योगा के लिए। सबसे उचित समय है सुबह सुबह, क्योंकि आदमी का मन तन सब स्वस्थ रहता है, एनर्जी भी ज़्यादा रहती है, उसे आदमी एक अच्छी तरह से अपने योगाभ्यास कर सकता है। मेरा तो विचार यही है कि सुबह सुबह जितना समय निकाल सके, कम से कम एक घंटा आदमी को अपने लिए देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में अपना समय खुद के लिए नहीं रहता। भारत ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर योगा दिवस आज मनाया जा रहा है, उससे लोगों को किस तरह से लाभ मिलेगा स्वास्थ्य? देखिए, जैसा आप सब लोग जानते ही हैं और स्वस्थ शरीर वही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये मूल मंत्र और मूल वाक्य हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये सच भी है। पहला सुख निरोगी काया है और मेडिकल साइंस आज की जो है वो उतनी स्वास्थ्य रखने में उतनी हेल्पकारी नहीं है, वो सर्जरी वगैरह में तो ठीक है काम करती है, बट अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए योगा साइंसेज और जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उन पर ही हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो युवाओं को यही संदेश है कि बाद में चीज़ें ख़राब हों उससे पहले हम उनको ख़राब होने से बचाएँ और स्वस्थ शरीर बनाए रखें। योग के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ को अगर आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट करना है तो ये सबसे अच्छा माध्यम है। और मैं सारे यूथ को यही संदेश देना चाहूँगा आज के योगा दिवस के दिन कि कुछ समय निकालें और अपनी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए योग सबसे अच्छा साधन है। महिलाओं के लिए किस तरह से लाभकारी है ये योग? काफ़ी तरह की डिसीज़ और बीमारियां जितनी भी चल रही हैं आजकल के टाइम में, कैंसर, डायबिटीज़, इन सभी रोगों से बचाने में हमें काफ़ी हेल्पफुल करता है। अब आज देखिए, आप हेडेक भी है तो डॉक्टर के पास आ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास ही हमें जाना पड़ रहा है। बट मेरा मानना तो ये है कि अगर हम 5 मिनट भी योगा कर रहे हैं। आज योगा दिवस मनाया जा रहा है, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम मॉर्निंग से ही काफ़ी एक्साइटेड थे जब हमें पता चला कि हम यहाँ पे योगा के लिए आ रहे हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में योग दिवस को मनाने के साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो बच्चों के लिए लाभदायक हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ योग प्रतिदिन पूर्ण निष्ठा के साथ और पूर्ण योगिक विधान से किया जाता है और इसको कराने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योगा एजुकेशन में 1 साल का कोर्स जो ग्रेजुएशन के बाद होता है चलाया जाता है, साथ में BPED और MPED दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ चलाए जाते हैं, जिसमें हम योग के बारे में पूरी तरह से अपने छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं और वो भविष्य में जाके अच्छे शिक्षक योग के भी बन सकते हैं। योग करने से, प्रतिदिन योग करने से जीवन में किस तरह से लाभ? देखिए, योग अपने आप में संपूर्ण है। योग का अर्थ है युज, मीन्स योग का अर्थ है जोड़ना, अपने आप को एक मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ना। अगर हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हम संपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए योग करने से हम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, हम संपूर्ण विश्व के साथ उसी आनंद के साथ जी सकते हैं जिस तरह से एक मनुष्य को जीना चाहिए।